हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ। तो आज की वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड के 6 बेस्ट और लेटेस्ट ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऐप है वो है एपिक प्राइवेसी ब्राउज़र। मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपको देखने में सिंपल नॉर्मल ब्राउज़र की तरह रहेगा, लेकिन आपको इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको दूसरे ब्राउज़र में नहीं मिलेगा। जैसे कि इसमें आप कोई भी पेज को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ करके आप हेडफोन में, लाउडस्पीकर में, किसी में भी सुन सकते हो। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड टू ऑडियो क्यू। तो इसमें आप जब क्लिक करोगे तो ये जो आपका पूरा पेज है एक ऑडियो में कन्वर्ट होकर उसके ऊपर वाले ऑप्शन में आपका सेव हो जाएगा। जब आप उसे ओपन करोगे तो आप देख सकते हो ये आपका जो पेज था ये ऑडियो में कन्वर्ट होकर यहाँ पे सेव है। आपको नीचे यहाँ प्ले का ऑप्शन दिया गया है, आप उसे प्ले भी कर सकते हो। प्ले करके आप लाउडस्पीकर, हेडफोन किसी में भी सुन सकते हो। Mouse lemurs, genus Mirza, are primates, native to Madagascar, like all other lemurs. तो आप देख सकते हो मैंने इसे आपको प्ले करके सुना दिया। तो इस प्रोसेस से आप कोई भी पेज को कन्वर्ट कर सकते हो ऑडियो में और इसे सुन सकते हो। और बात करें अलग फीचर्स की, तो आपको इसमें यहाँ में कुछ और फीचर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने कोई साइट को। यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशन दिए गए हुए, एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको इसमें एक स्पेशल फीचर और मिल जाता है, जैसे कि आप कोई वीडियो को यहाँ से डायरेक्टली वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे अपने उस वीडियो के लिंक को पेस्ट करके। यहाँ आप देख सकते, जैसे इसे ओपन करोगे यहाँ पे आपको एक बॉक्स है, यहाँ पे आप कोई भी वीडियो के लिंक को पेस्ट करके यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गए इसके कुछ फीचर्स। तो जो हमारा सेकेंड ऐप है वो है सुपर स्टेटस बार। तो इस ऐप के थ्रू आप अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो ऊपर में हमारे नेटवर्क के, बैटरी के बहुत सारे लोगो रहते हैं, तो आप इस ऐप के थ्रू वो सब को चेंज कर सकते हो। जैसे आप स्टार्ट करोगे आप देख सकते हो वहाँ लोगो चेंज हो गया। बात करें डिस्प्ले की ब्राइटनेस की, तो आप जस्ट लेफ्ट तरफ स्क्रॉल करोगे अपने स्क्रीन के ऊपर, तो आपका ब्राइटनेस कम और ज़्यादा आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ और सेटिंग्स का बता देता हूँ, जैसे कि आपको कुछ और चेंजेस करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ आइकॉन पैक्स दिए जाते हैं जिसको आप कन्वर्ट करके अपने ऊपर के आइकॉन को चेंज कर सकते हो। इसमें हमें दो फ्री मिल जाते हैं, बाकी हमें पेड मिलते हैं। तो चलिए बैटरी के कुछ सेटिंग्स भी बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप बैटरी के हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो, इसके डायरेक्शन को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको बैटरी के डायरेक्शन को चेंज करना है, लेफ्ट में रखना, राइट में रखना, यहाँ बहुत सारे आपको अलाइनमेंट में ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसके थ्रू आप अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। बात करें उसके लोगों के कलर की, तो आप यहाँ में बहुत सारे आपको डिफरेंट कलर दिए गए, आपको जो लोगों का कलर रखना है आप वो कलर भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब एक्स्ट्रास में कुछ आ जाता है, जैसे कि यहाँ हमें साइड पैडिंग दिए गए, जैसे कि आप अपने ऊपर के आइकॉन को सेंटर में कर सकते हो, कॉर्नर में कर सकते हो, तो यहाँ कुछ ऑप्शन हमें मिल जाते हैं जिससे हम उसके एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसे जितना यूज़ करोगे उतना आपको डीपली इसमें समझ आते जाएगा। तो ये हमारा हो गया सुपर स्टेटस बार। हमारा जो थर्ड ऐप है वो है सोक्रेटिक। ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जैसे कि केमिस्ट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें सर्च के ऑप्शन मिले, आप यहाँ टाइप करके अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकते हो। सेंटर में हमें कैमरे के ऑप्शन दिए गए, जैसे कि इसके थ्रू आप अपने कोई भी क्वेश्चन के नोटबुक के थ्रू फोटो क्लिक करके ले सकते हो। और इसमें हमें वॉइस कमांड भी दिए गए, वॉइस कमांड के थ्रू भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने नोटबुक में यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है इसे। आपको फ़ोटो क्लिक करना है कैमरे के थ्रू और आपको फ़ोटो क्लिक करके गो में क्लिक करना है। जैसे कि आप गो में क्लिक करोगे और थोड़ा सा आप वेट करोगे तो आप देख सकते हो आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो इस ऐप के थ्रू आप अपने कोई भी क्वेश्चन के आंसर को सिंपली बहुत कम टाइम में ले सकते हो, वो भी एकदम करेक्ट। हमारा जो फोर्थ ऐप है वो है फुटेज कैमरा 2। तो इस कैमरा ऐप के थ्रू आप मैन्युअली काफ़ी चेंज कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन के कैमरा ऐप में नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि आप इसमें ISO, फोकस, एक्सपोजर को काफ़ी अच्छी तरह चेंज कर सकते हो। इसमें आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि आप स्लो मोशन कर सकते हो, पैनोरामा कर सकते हो, टाइम लैप्स, बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि इस ऐप के थ्रू आप बहुत अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ आपको नीचे फ्रंट कैम के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप इसे क्लिक करोगे तो आप अपने फ्रंट कैम को ओपन कर सकते हो और इसमें भी आपको वो सेम सेटिंग मिल जाते हैं। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, जो कि आपको सेम ISO, फोकस, एक्सपोजर की जो आपको सेटिंग्स मिल रहे थे आपको फ्रंट में भी मिल जाते हैं। इसके बगल में आप देख सकते हो इसमें आपको फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ से आप अपने फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो। और कुछ सेटिंग्स हमें यहाँ ऊपर दिए गए, आप यहाँ ऊपर में भी आप देख सकते हो बहुत सारे जर्नल्स है, फोटो, वीडियो, यहाँ भी आप बहुत सारे सेटिंग्स को अपने थ्रू कस्टमाइज़ करके इसे बहुत बढ़िया लुक दे सकते हो। जो हमारा फिफ्थ ऐप है वो है फिल्टर बॉक्स।
तो इस ऐप के थ्रू हम अपने फ़ोन के ऐप्स को मैनेज कर सकते हैं, उसके नोटिफिकेशन सब। जैसे कि बहुत सारे हमारे फ़ोन में ऐसे ऐप रहते हैं जो कि दिन भर नोटिफिकेशन उनके आते रहते हैं लेकिन हम उसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसका यूज़ रहता है। तो इस ऐप के थ्रू आप अपने उस ऐप्स के नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हो, उसे टाइम दे सकते हो कि आपके इतने से इतने बीच उस ऐप के नोटिफिकेशन आए। तो इसमें हमें कुछ ऐसे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे हम कोई भी ऐप को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे WhatsApp का दिखा देता हूँ। जैसे मैं WhatsApp में ओपन करके इसके सेटिंग्स में जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो हमें यहाँ टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि रात में आपको WhatsApp का मैसेज ना आए तो आप यहाँ सेट कर सकते हो। जैसे आप रात से 10 से सुबह 12 के बीच आपको WhatsApp का नोटिफिकेशन नहीं आना, या आपको सुबह 6 बजे तक WhatsApp का नोटिफिकेशन नहीं आना, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ अपने ऐप को सेट कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ सेट कर दोगे तो उस बीच आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एक्शन भी मिल जाता है, जैसे कि आप म्यूट करना चाहते हो तो म्यूट कर सकते हो, पोस्टपोन करना चाहते हो तो पोस्टपोन कर सकते हो। तो इस ऐप के थ्रू आप अपने फ़ोन के कोई भी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हो उसके टाइम के हिसाब से। तो जो हमारा 6th और लास्ट ऐप है वो है वीडियो स्प्लिटर। तो इस ऐप के थ्रू आप अपने कोई भी बड़े साइज के वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो, चाहे आपको वो इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट करना है, चाहे आपको व्हाट्सएप में स्टेटस या स्टोरी में पेस्ट करना है। तो यहाँ से आपको सबसे फर्स्ट कोई भी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हो आपको यहाँ मिल जाता है व्हाट्सएप स्प्लिट, और सेंटर में आप देख सकते हो कस्टम स्प्लिट, और लास्ट आपको सिंगल स्प्लिट। तो आपको अगर WhatsApp के लिए वीडियो बनाना है और कोई भी साइज के वीडियो है तो आपको WhatsApp के लिए सेलेक्ट करना है। तो आप उस वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ ऊपर में टिक में क्लिक करोगे तो जो आपका वीडियो है वो आपके उस ऐप के थ्रू, जैसे कि मैंने WhatsApp के लिए सेलेक्ट किया तो ये WhatsApp के हिसाब से मेरे यहाँ पे स्प्लिट हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 30 और 10 सेकंड के मेरे वीडियो स्प्लिट हो गए। तो मुझे जो वीडियो चाहिए, जो सेकंड का चाहिए, मैं यहाँ से वहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ कस्टम स्प्लिट भी देखते हैं, तो कस्टम स्प्लिट के थ्रू आपको कितने टाइम के लिए, मतलब आपको कितने मिनट कितने सेकंड के लिए वो वीडियो स्प्लिट करना है, तो आप वो कस्टम स्प्लिट से यहाँ से सेट करके उस टाइम के हिसाब से उस वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में हमें जो मिल जाता है सिंगल स्प्लिट, तो ये आप सिंगल कोई भी वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट करके स्प्लिट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसे यूज़ करके देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया लास्ट ऐप।